बाय टिप्पू सुल्तान एंड हिज फादर हैदर अली। ये तो कमांडर्स है, ये किंग नहीं। मैसूर वॉज द कैपिटल, ओरिजिनल किंग इज अ वडियर। हैदर अली अपॉइंटेड एज अ कमांडर, इसको ये रूरल पार्ट उसका हैंड ओवर करता है। अपना कारोबार संभालने के वास्ते उस जमाने में टिप्पू सुल्तान, उसका बाप हैदर अली खान, इधर महल है टिप्पू का महल, 1791 में पूरा किया। वो तो एक हॉल है, दरबार हॉल है, दरबार मिंटू उस जमाने का असम्बली है, मीटिंग हॉल है, वो कोर्ट है। उस जमाने में उन्हें जजमेंट भी देते, वो क्रिमिनल को यहाँ पे रखते थे। टिप्पू सुल्तान पार्ट ऑफ जेल है। वो महल इज अ ओपन पैलेस, नो डोर। दरबार उसको किला बनाए थे, सर्कल आधा किलोमीटर था, वो महल सेंटर में था। ये किला बनाए थे महल के लिए प्रोटेक्शन, वो महल बनाया अपना कारोबार संभालने को। समर में यहाँ पे रहते थे, वेदर इज वेरी गुड वेदर, इधर से अपना राज्य को संभालते थे। उसी के लिए उसको समर पैलेस ऑफ टिप्पू सुल्तान कहता है। ये किला अभी 40% बचा है, आधा तोड़ दिया। ब्रिटिशर हमारा देश को पहला कब्जे में लेता है इंडिया में, यह पार्ट है। उसके लिए इधर वार हो गया टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिशर को, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। वो जीतता है, पहला बार जीत के ब्रिटिशर ये बेंगलोर को, दिस ए पार्ट को अपना कब्जे में लेता है। वो पार्ट वो टाइम इसको आधा डैमेज कर दिया ब्रिटिश, वार इधर ही हो गया। 70 अंडर द कैप्टनशिप लॉर्ड कॉर्नवालिस, यू नो द नेम, बिफोर उन्हें अमेरिका में रेवोल्यूशन होता ब्रिटिशर को, वो कैप्टन था। होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ये पार्ट पहला डैमेज करके अंदर आए थे। इधर मंदिर है, मंदिर के वजह से इसको नहीं तोड़िया ब्रिटिशर। कौन सा मंदिर? ब्रिटिशर हमारा देश में कोई टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ऑर्डिनरी क्रिमिनल पनिशमेंट यहाँ पे दिए। शल में 10 मेंबर्स है, ऐसा 20 था, अभी ओनली 8 बचा है। देखो आर्मी ये आर्च में इधर वॉच करते थे ये क्रिमिनल को, ये किला को। तो सेंटर में एक स्पेस है, उधर दिया रखते थे, ऑयल लैंप्स। हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट है, ये भी हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट है, महल भी हिंदू। ये तो मुसलमान है, सब धर्म को रेस्पेक्ट देते थे, गुड एडमिनिस्ट्रेटर है। चलो इधर स्टेप्स है, लंबा पैसेज है उधर है। ये डोर नया है, वो टाइम में डोर सिस्टम अलग था। ये वेपन्स का बोर्ड है, हथियार यहाँ पे रखते थे। ये डोर हाथ में नहीं, यही में अटैक करे तो एलिफेंट में घूमना और दबाना, उसके लिए आयरन रॉड लगा है। क्रिमिनल को इधर ही कॉर्नर देते थे, ये क्रिमिनल को नहीं छोड़ते थे। टिप्पू सुल्तान पनिशमेंट देने लेने के बाद में उधर नंदी हिल से टिप्पू ड्रॉप कहता टॉप में एड्ज में, वहाँ से फेंक देते थे फिनिश। वो छोटा मोटा क्रिमिनल को टिप्पू सुल्तान रिलीज करते थे। ये कैसा बनाया, 240 वर्ष पीछे, नो क्राइम, नो जेसीबी, और अनसाइज्ड है, कैसा फिक्स किया हाथ में। इधर ऊपर सेंटर में स्टेप्स है, इधर चार अंडरग्राउंड शेल है। यहाँ पे ब्रिटिशर को, बहुत ब्रिटिश ऑफिसर को उन्हें पनिशमेंट दिए थे। बोल दे रहे हैं आप, ये डॉग्स एनिमल को लेके आते थे। वो टाइम में मेन ट्रांसियर बहुत एंगेज में मार दिया हमारा देश में, उधर देखता है। नो, मैं देखता है। हमारा देश में पहला कुर्बानी दिए थे टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिशर के विरुद्ध में। इज अ ग्रेट वॉरियर, ऐसा ना था भी डिफीटेड ब्रिटिशर। ब्रिटिशर ऑलवेज डिवाइडेड रूलर पॉलिसी, टेकन एडवांटेज। आफ्टर दैट उसके बाद पूरा इंडिया को पकड़ के रूल्ड बाय 150 ईयर्स। बेंगलोर में लाल बाग है, हिस्टोरिकल गार्डन, वो भी उसका पिता हैदर अली खान बनाए थे। अभी 240 एकड़ है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है। गांव इस तरफ था, ओरिजिनली बेंगलोर का नाम बेंदा कालूरु एक गांव था। इधर गांव ये पार्ट में बेंगलोर था, इधर 30 किलोमीटर सेरिकल्चर फार्म। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क, टिप्पू सुल्तान डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री। अभी बेंगलोर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहता है। वो महल सिल्क कॉटन से कवरेज करते थे। वो महल का आर्किटेक्ट फ्रेंच आर्किटेक्ट है,
फ्रेंच इसको सपोर्ट देता है, हैड अ गुड कौन सा महल टिप्पू का महल इधर है बता थोड़ा आइडिया। वो महल का आर्किटेक्ट वो भी 70% लकड़ी में है, वो भी हिंदू एंड इस्लामिक है। वो महल गए तो थोड़ा वो टाइम ही एंटायरली रेड कलर से था, अभी वुड 160 वुडन पिलर है, वन पिलर इज वन सॉलिड ट्री, 160 ट्री है वो महल में, लाइक ए दरबार एडमिनिस्ट्रेटिव। ये किला महल के लिए प्रोटेक्शन था। सर गो हैव अ राउंड फोटो ले लो इधर। डियर मोस्ट गुड, माय नेम इज मंजुनाथ। काम कर रहे हैं सर मंजुनाथ? कब से काम कर रहे गाइड? हम पहला कर्नाटक टूरिज्म में एज ए गाइड, आफ्टर रिटायरमेंट आई कमिंग एंड अर्निंग ओनली हॉलीडेज। ओके कम ऑन लेट्स एनी इंफॉर्मेशन आई विल कम। किधर भी जाना है तो हम आइडिया दिलाता हूँ। श्योर। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, शायद मालूम है नहीं मालूम है हमको मालूम नहीं, इस दुनिया में पहला बार रॉकेट टेक्नोलॉजी टिप्पू सुल्तान को मालूम था, बना के इस धरती में रॉकेट यूज किया टिप्पू सुल्तान ने। वो महल गए तो उधर एग्जीबिशन है, उधर दो रॉकेट रखा है लाइक ए मिसाइल्स, लाइक ए फायरवर्क, गन पाउडरिज्म है। वो रॉकेट उस जमाने में 2.5 किलोमीटर जाते थे, बाद में मोर इम्प्रूव रॉकेट इन द वर्ल्ड चाइनीज, नाउ इट इज ऑल ओवर रॉकेट।